नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। 29 तारीख को होने वाले दीक्षा दिवस कार्यक्रम की सफलता के तहत सोमवार को आदिलाबाद जिला केंद्र में पूर्व मंत्री जोगू रामन्ना के नेतृत्व में जिला टीआरएस पार्टी कार्यालय में बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। इस महीने की 29 तारीख को सफल दीक्षा दिवस के दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया। बाद में गंगाधर गौड़ ने कहा है कि ये सराहनीय है कि कार्यकर्ताओं ने इतने बड़े पैमाने पर इस मार्क मीटिंग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि केसीआर की मदद से एक अलग तेलंगाना राज्य हासिल किया गया है। किसानों के लिए जलनिधि के अन्याय के खिलाफ आगे बढ़कर तेलंगाना शहीदों का बलिदान दिया गया है और केसीआर एक अलग तेलंगाना की उपलब्धि के साथ आगे बढ़े हैं। राज्य और तेलंगाना राज्य को बचाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दीक्षा दिवस कार्यक्रम के माध्यम से अमर सपूतों पर श्रद्धांजलि अर्पित करके साथ उनकी याद में एक फोटो प्रदर्शन आयोजित की जाएंगी और पूर्व सीएम केसीआर को पाल अभिषेक जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे। गांव-गांव से कार्यकर्ता आए हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया है और दीक्षा दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने को भी कहा है। जोगू रामन्ना ने कहा है कि उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य की प्राप्ति के लिए अपने पदों से इस्तीफा दिया और तेलंगाना के लोगों के साथ खड़े रहे। आज कांग्रेस अपनी स्वार्थी राजनीति के 420 वादे कर तेलंगाना की जनता को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है कि स्थानीय विधायक किसानों को धोखा दिया है और कुकुड़कौन की नीति के साथ निजी व्यवसायों के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर शिशु उद्योग को पुत्र बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जिस स्थानिक विधायक कांग्रेस सरकार से निलंबित किया है वो कांग्रेस सरकार के रूप में काम करना बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को सोना न देकर पिछली सरकार पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। विधायक अनिल जाधव ने कहा है कि आदिलाबाद में हुई पार्टी बैठक में जोगू रामन्ना की अध्यक्षता में सफलता मिलती है और जोगू रामन्ना अगर वो हार गए तो भी लोगों के बीच जीते हैं। कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ काम करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी सत्ता में होगी। इस बैठक में राठौर जनार्दन, नगर अध्यक्ष अजय रेतु, मनोहर रोकनला, रमेश मिट्टू, प्रहलाद नारायण, सलीम, संध्या रानी, स्वरूपा रानी, ममता, परवीन और पार्षदों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया।